चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम 29 मई के करंट अफेयर आपको प्रेजेंट करने वाले हैं, और ये सारे करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं, यानी मई के लगभग सारे, तो वो देख लीजिएगा। और ये भी सेशन आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं आपको, जैसे भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन को किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान दिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर अभी अंदर हम देखेंगे क्योंकि ये डिस्प्ले क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो मैं आपको हिंट भी दे सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक देश कौन सा बन गया। तो वही देश बन गया है जहाँ पे पहला फ्लोटिंग जो है एप्पल स्टोर खोला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया। ठीक है, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड US प्रेसिडेंट ऑफ जो बाइडेन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द US एंड फॉरन कमर्शियल सर्विसेज। संजीत वर्मा, अरुण वेंकट रमन, संदीप मेहता या फिर सुजाता जयसरन। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अरुण वेंकट रमन। ध्यान रखिएगा, अरुण वेंकट रमन जो हो जाएंगे उनको जो है डायरेक्टर जनरल US फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज का बनाया गया जो बाइडन के द्वारा। जो बाइडन पे जब भी क्वेश्चन पूछता है मैं आपको उनकी किताबें याद दिलाता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको प्रॉमिस टू कीप हो गया, प्रॉमिस टू माई डैड हो गया, उनके बेटे की किताब मैं बताता हूँ, हंटर बाइडन की किताब जो कि हो जाएगी ब्यूटीफुल थिंग्स, और वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है, वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में, उनकी भी किताबें मैं बताता हूँ, कमला हैरिस जी की, उनकी किताबें हो जाएंगी आपको जो है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, ये सारी किताबें किसकी हो जाएंगी, कमला हैरिस की हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट अमर सेन हैज बिन अवार्डेड द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ विच कंट्री, जापान, स्पेन, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी तो उनको स्पेन के प्रिंसेस ऑफ स्टूटियस जो करके अवार्ड इनको दिया गया, प्रिंसेस ऑफ स्टूटियस अवार्ड करके दिया गया स्पेन का, जो कि हाईएस्ट ऑनर है, जो कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं अमर सेन जी उनको दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखिएगा इनको कुछ दिनों पहले जर्मन ट्रेड बुक प्राइज भी मिला था, आपको अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, जर्मन ट्रेड बुक पीस प्राइज अगर पूछा जाएगा किसको मिला था तो वो भी अमर सेन को मिला था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको नोबेल प्राइज जो है वो नोबेल प्राइज भी देता है ये। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था, लेकिन 96 में अनाउंस हुआ कि अब नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स में भी दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड अंडर 29 डे। तो वर्ल्ड हंगर डे या फिर पोस्टल सर्विस डे या फिर वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे। तो देखिए मई के लगभग मैंने सारे डेज बता दिए, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1 मई को मैंने लेबर डे बताया था आपको, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे बताया था, 5 मई को हमने आपको जो है बताया था कि हम सेलिब्रेट करते हैं हैंड सैनिटाइजेशन डे। उसके बाद मैंने 8 मई को आपको बताया था कि हम रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। उसके अलावा 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नर्स डे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था 15 मई को हमने फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूँ। 18 मई को अगर पूछा जाएगा तो म्यूजियम डे या फिर एड्स वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 21-20 मई को अगर पूछा जाएगा आपको तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं आपका मेटोलॉजी इंटरनेशनल मेटोलॉजी डे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका बी डे पूछा जा सकता है आपको। और 21 तारीख को मैंने आपको बताया था कि एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा 22 मई को सबसे इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। टर्टल डे अगर पूछा जाएगा तो वो 23 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। 24 मई को हमने बताया था कि आपको कॉमनवेल्थ और ब्रदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 29 मई को। तो मई के लगभग मैंने सारे ही आपको डेज आपको बता रखे हैं, तो वह सारे ही डेज आप देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 26 घंटों में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चढ़ाई दर्ज की गई, इनका नाम क्या है। रिसेंटली इन 26 आवर एवरेस्ट क्लाइम टू वर्ल्ड हाईएस्ट पीक बाई वुमेन हैज बिन रिकॉर्डेड, वॉट इज देयर नेम। कामी रीता हो जाएगा या फिर त्यांग इन छंग हो जाएंगे, अरुणिमा सिन्हा हो जाएंगे, सराय कुमैल हो जाएंगे। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे त्यान सिंह हंग। ठीक है, इनके द्वारा जो है कि 26 घंटों में जो है कि माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ाई जो पूरी करी गई, जो कि एक रिकॉर्ड है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा करी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड स्मार्ट किचन स्कीम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरला या राजस्थान। तो देखिए स्मार्ट किचन स्कीम, इससे पहले भी बहुत सारे किचन स्कीम्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे किचन गार्डन आसाम हो गया, ठीक है, जियो कम्युनिटी टैप किचन हो गया वो उत्तर प्रदेश हो गया, मोदी किचन हो गया वो आपका तमिलनाडु हो गया, इंदिरा रसोई हो गया वो आपका जो है कि राजस्थान हो गया, ठीक है, ये सारे आपको ऑलरेडी चलाए गए हैं। उसके अलावा दाल भात मुख्यमंत्री स्कीम हो गई जो झारखंड हो गया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरला। ध्यान रखिएगा केरला में आपका जो है स्मार्ट किचन योजना शुरू करी गई जो कि पूछा जा सकता है। देखिए अब केरला की बात आई तो केरला के अगर सीएम पूछा जाएगा तो वो पी विजयन हो जाएंगे, गवर्नर पूछा जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य है, यानी एकमात्र राज्य जिसके पास चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। उसके अलावा धुआं मुक्त पहला राज्य हो जाएगा, पहला स्मोक फ्री एरिया स्टेट पूछा जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सोलर मिनिएचर ट्रेन सबसे पहली कहाँ चलाएगी, वो भी आपकी केरला में चलाएगी, मैंने बताया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई हैं जो कि आपको इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें तो कैब जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था उसके अगेंस्ट में प्रस्ताव लाने वाला भी पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरला। यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो वो पांडुचेरी हो जाएगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। उसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम हो जाएंगे करंट में हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी सीएम हो जाएंगे, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो जाएंगे, गवर्नर की बात करें तो वो हो जाएंगे कलराज मिश्र। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस द स्मार्ट किचन स्कीम, दैट इज केरला। केरला मैंने आपको बताया था कि परिवर्तनम स्कीम भी चलाई गई थी, के फोन सर्विस भी चलाई गई थी जिसके थ्रू जो है कि पूरा वाईफाई प्रोवाइड करा दिया जाएगा पूरे केरला को। तो ये भी क्वेश्चन है अच्छे जो कि आपको केरला से पूछे जा सकते हैं। चले उसके अलावा मैंने जीआई टैग्स भी बताया, जैसे पुक्कली राइस हो गया, मरयूर गुड़ हो गया, ठीक है, तिरूर बीटल लीव्स हो गया, इनको कहाँ का जीआई टैग मिला, तो इनको केरला का जीआई टैग मिला है। वूसू फेस्ट मैंने आपको फेस्टिवल्स भी बताए थे, अब नाम आ गया तो मैं बताई देता हूँ। थुम्बी हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा जो है आपका वीसू हो गया आपका, उसके अलावा ओनम हो गया, कहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं, केरला में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एनएस गांधी भी पूछा जाएगा तो भी। अगला क्वेश्चन है 2020-21 में भारत की सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन सा बना है, ठीक है, ये भी फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर कंट्री ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021, अमेरिका, सिंगापुर, जापान या फिर मॉरिसस। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में मैंने बताया था, अभी आपको एक हिंट भी दिया था कि सिंगापुर में पहला एप्पल ने फ्लोटिंग स्टोर खोला है। वहीं सिंगापुर की जो हॉकर कल्चर है उसको जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा यहाँ के सिंगापुर के, तो वो हलीमा याकूब हो जाएंगे। सिंगापुर के साथ हमारे जॉइंट वेंचर साइज होते हैं, जैसे आपका बोल्ड क्रूक क्षेत्र हो गया हमारा सिंगापुर के साथ होता है, और उसके अलावा सिम्बेक्स हो गया हमारा सिंगापुर के साथ होता है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मॉरिसस के प्रेसिडेंट की बात कर लें तो वो हो जाएंगे आपके पृथ्वीराज सिंह रूपम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जापान की बात कर लें तो वो हो जाएंगे योशिहिदे सुगा, करंट में पीएम। अमेरिका मैंने बताई दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 की ला लीगा का खिताब जीता। विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द टाइटल ऑफ ला लीगा 2020 रिसेंटली, ठीक है, अटलांटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने सुना होगा कि लुइस सुआरेज जो है उरुग्वे के काफी फेमस प्लेयर हैं, वो इस क्लब के लिए खेल रहे हैं, तो वो कौन सा क्लब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अटलांटिको मैड्रिड। अटलांटिको मैड्रिड ने जो है फुटबॉल क्लब ने 2020-21 का ला लीगा का खिताब जीत लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों पूछा जाएगा अगर इंडिया से क्वेश्चन तो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंडिया में, तो वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है वो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, और ला लीगा आपका एक फुटबॉल क्लब है, चले फुटबॉल कॉम्पिटिशन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेवन लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम द लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम द लाइफ एंड बिजनेस। संतोषी मिश्रा ने लिखा है, आदित्य गुप्ता ने, साजी अनम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता की किताब है जो कि आपको पूछी जा सकती है, सेवन लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ बिजनेस, ये किसकी किताब हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आदित्य गुप्ता की जो कि पूछा जाता है। जबकि साजी एनएम को मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो वो साजी एनएम को दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डेविड बर्निया किस देश के सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने। रिसेंटली डेविड बर्निया बिकेम द हेड ऑफ द विच कंट्री सिक्योरिटी एजेंसी, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर इराक। तो देखिए ये जो बने हैं वो कहाँ के बने हैं,
वो बने हैं इसराइल के। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। तो इसराइल के डेविड बर्निया जो है कि सुरक्षा एजेंसी के जो है कि क्या बन गए, हेड बन गए। अब बात हो गई इसराइल की दोस्तों, तो इसराइल मैंने आपको बता रखा है कि सेकल यहाँ की करेंसी हो जाएगी और जेरूसलम यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, लेकिन इंडिया जो है तेल अवीव मानता है, तो तेल अवीव भी ध्यान रखिएगा कि तेल अवीव कहाँ की कैपिटल है, तो वो आपका इसराइल ही हो जाएगा। प्लस इसराइल और भारत के रिलेशन पर मैंने किताब बताई थी आपको, याद होना चाहिए, तरुण विजय की किताब, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नमस्ते सैलोम। ध्यान रखिएगा, नमस्ते सैलोम पूछा जाएगा, तो वो किसके रिलेशन पे है, तो वो हो जाएगी इसराइल और इंडिया के रिलेशंस पर। किताब को लिखा किसने है, तो इस किताब को लिखा है तरुण विजय ने, और ये पूछा जाता है आपको, ठीक है। नमस्ते सलोम जो किताब है वो किस रिलेशन पे है, तो वो इंडिया इसराइल के। इसराइल में मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी गुफा मालहम खोजी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि मालहम गुफा कहाँ खोजी गई, तो वो इसराइल में खोजी गई। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता, विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द टाइटल ऑफ यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, सेविला या फिर विलरियल। तो देखिए, जिसने जीता है वो कौन सी कंट्री हो जाएगी, कौन सा क्लब हो जाएगा, वो हो जाएगा विलरियल। विलरियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 से हरा करके जो है कि यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 जीत लिया है। ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, अभी मैंने ला लीगा भी बताया और यूरोपा लीग भी बताया, और इसके पहले मैंने आपको फीफा भी ऑलरेडी बता रखा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, फ्रांस ने जीता। फ्रांस ने किसको हराया था, क्रोएशिया में, क्रोएशिया को हराया था। हो कहाँ पर रहा था, रशिया में हो रहा था। कब हुआ था, 2018 में, जो कि आपका जो है कि 21वां सीजन था। अभी 22वां सीजन आपका कतर में होने वाला है, इंडिया भी गई है वहां पे, अगर क्वालिफाई कर जाते तो इंडिया भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो कि आपका 2022 में होने वाला है, 4 सालों के बाद, और उसके बाद 2026 में आपका जो होगा वो आपका फीफा वर्ल्ड कप वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, तीन कंट्रीज में होगा, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा फीमेल वर्ल्ड कप पूछा जाएगा कि फीमेल फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, तो फीमेल फीफा वर्ल्ड कप यूएसए ने जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा कि जो है उसका मोटो क्या था, तो डेयर टू साइन था, नेदरलैंड को हराया था यूएसए ने, ये भी पूछा जा सकता है आपको। हो कहाँ पर रहा था, तो वो फ्रांस में हो रहा था। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी प्लस क्लासेस, फ्री क्लासेस और बहुत सारे बैच कोर्सेज आपको चलाए जा रहे हैं, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वहाँ पे टॉप बैचेस चलाए जा रहे हैं, और ये जो एजुकेटर्स हैं वो इंडिया के टॉप जो है बेस्ट एजुकेटर्स हैं, जो कि आपको पढ़ा रहे हैं अकेडमी पर, उनका फायदा उठाइए। मैं भी इस जो है कि आपको मिल जाऊंगा, SSC में भी मिल जाऊंगा, रेलवेज में भी मिल जाऊंगा, बैच कोर्सेज में भी मिल जाऊंगा, इंडिविजुअल कोर्सेज में भी मिल जाऊंगा। तो देखिए, 30+ अनलिमिटेड जो है आपको बैच कोर्सेज हैं जो एवरी वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं, 300 क्लासेज जो है वो पर डे चलाई जाती हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं जो इसका फायदा 70+ एजुकेटर्स हैं जिनका लोग फायदा उठा रहे हैं, उनके नोट्स का, उनके PDF का, उनके एक्सपीरियंस का, उनके जो है कि क्वेश्चन का, उनके क्रैश कोर्सेज का, तो आप भी ये फायदा उठा सकते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स पढ़े हुए हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 90% जो है ट्रस्टेड लर्नर्स हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे फोनिक्स बैच कोर्स मैंने बताया आपको CHSL CGL के लिए, ब्रह्मास बैच कोर्स CET के लिए चला जा रहा है आपका, 1,000 जो है कि प्लस सिलेक्शन बैच कोर्स चला जा रहा है, सफलता बैच चलाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है दोस्तों बैचेस की, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो एवरी वेडनेसडे को आपको लॉन्च होते हैं। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ₹2500 तक की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, और हर संडे को, यानी आज संडे है तो 12 बजे आपको कॉम्बैट भी होगा, तो कॉम्बैट भी देख लीजिएगा, जिसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इसके पैसे नहीं लगते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। करना क्या होता है, सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करें अकेडमी का, वहां पे कोड अप्लाई करना पड़ेगा, वो कोड मैं आपको लिख देता हूँ, और एप्लीकेशन खुल जाएगा, वो कोड हो जाएगा vimlees@14, vimlesh@14, ठीक है। इसको आप कैपिटल स्मॉल जैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसी कोड के थ्रू आप पिट कोर्सेज भी ले सकते हैं, यानी कॉम्बैट फ्री में दे सकते हैं, फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, जब कभी आपको इन फ्यूचर कभी पिट कोर्सेज लेना हो तो इसी कोड को अप्लाई करके आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जो भी आपको ठीक लगता है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आ रहा, मतलब ये जो स्लाइड्स आपको समझ में आ गई, सिंपली आप करिए। अभी अगर आपको लगता है कि सर मैं पेड क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, तो आप फ्री क्लासेस देखिए, अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे कोड अप्लाई करके, ठीक है। चलिए बाकी के बचे क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी के जो हमारे बचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विलरियल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया गया। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए, कल आई थिंक मैंने लक्ष्मी भंडार पूछा था, तो लक्ष्मी भंडार ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल से संबंधित स्कीम है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अपॉइंटेड द गार्डियन मिनिस्टर्स ऑफ प्रॉपर सुपरविजन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो देखिए, ऑप्शन है बिहार, गुजरात, असम या सिक्किम। तो देखिए, अभी जो है ना इस राज्य में 15वें CM भी बने हैं वो, ठीक है। और जो है कि ये राज्य जो है, इसी राज्य ने जो है किचन गार्डन स्कीम हो गया, उत्तरायण हो गया, अभिनंदन स्कीम हो गया, ओर नोडई स्कीम हो गया, ये सारे स्कीम्स इसी राज्य के द्वारा चलाया गया, ठीक है।
और बाकी ऑप्शंस में आपको बिहार, गुजरात, असम, सिक्किम में से जो भी सही लगता है आप उसका आंसर कोड जो है कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा, नहीं तो कल तो मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो बस यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरी फ्री क्लासेस के लिए या फिर पेड क्लासेस के अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप विमरीसर14 कोड यूज़ करके जो है क्लासेस को फ्री में भी देख सकते हैं। जब कभी फ्यूचर में आपको पेड कोर्सेज लेना होगा या अभी लेना होगा तो उसके लिए भी विमरीसर14 यहाँ पर लिखा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा, इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ रही हैं, उनका भी पूरा फायदा उठाएं, वो बहुत ही अच्छे से और रिसर्च करके ही वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।